अब वो संपुट को मटकी जो संपुट बनाया है गंधक पारक की पिष्टी उसको रख दिया है वालुकाय अंतर में। पूरा 36 घंटा ऐसे ही पकाना है। अभी तीस सेंटीग्रेड गर्मी रखते हैं, बाद में 70 से 80 सेंटीग्रेड गर्मी रखनी है। शायद 100 सेंटीग्रेड पर वही रखनी पड़े। अभी एक घंटा तो 30 सेंटीग्रेड रहेगी, बाद में थोड़ी थोड़ी बढ़ाते 70-80 तक रख देनी है। पूरा 36 घंटा उसको वालुका यंत्र में ही पकने देना है। अभी सुबह का 8 बजे के आसपास का समय हुआ है वालू का यंत्र में रखने का। अब ये 36 घंटे पूरे हो गए हैं जो वालुका यंत्र में चढ़ाई थी उसी को। अब उनको खोलकर बाहर निकालते हैं, देखते हैं भस्म पक गई है कि नहीं पकी है। देखो मुख मुद्रा भी चारों तरफ सही सलामत है। अब उसको खोलकर देखेंगे क्या हाल है। अब मुख मुद्रा चारों तरफ से खोल दिया है डिसमिस से। अब उनको खोलते हैं। देखते हैं कैसी भस्म हुई है। अब उसको इसमें खाली करते हैं।
लाल कलर भी नहीं है, ब्राउन कलर भी नहीं है, ब्लैक कलर भी नहीं है, थोड़ी सी लालास के ऊपर भस्म दिखती है। अब उनको एक बोतल में भर लेते हैं, एक्टिव गंधक एक्टिव पारस भस्म बोतल में भर लिया है। अब